हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को सीखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो कि है टू डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ शिप मॉडल। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, तो अभी हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट का डिटरमिनेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड से सीखेंगे। जिन लोगों को ये ध्यान नहीं है कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि मेटासेंटर जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग होता है, जैसे कि ये करंट कंडीशन आप लेंगे, तो ये एक कंटेनर है, इसमें यहाँ तक सपोज एक वाटर फिल है। अब आपने कोई बोट यहाँ पर डाला, तो ये एक फ्लोटिंग बॉडी का केस होगा। सपोज़ ये शिप मॉडल है, इसे हम लोग शिप मॉडल बोलते हैं। अब अगर ये फ्लोट कर रहा है, तो इसका खुद का, इस ऑब्जेक्ट का खुद का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और अगर हम इसको यहाँ पर सपोज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अब अगर हमने इसमें कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, क्लॉकवाइज कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा और जो नया सिचुएशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका एक्सिस, सेंटर ऑफ वैलेंसी नए पोजीशन पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ वैलेंसी, और ये जो पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अपनी ही जगह पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट के डिटर्मिनेशन के लिए दो मेथड्स आपको बताए गए थे। फर्स्ट था एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग GM इक्वल टू I बाई V माइनस का BG, जिसमें से I क्या है, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये देखिए यही आपका बॉडी है और ये वाटर सरफेस यहाँ पर कट कर रहा था इसको, तो इस जगह पर इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उनमें से XX के अकॉर्डिंग XX के अबाउट भी होगा, YY के अबाउट भी होगा, तो इनमें से जो मिनिमम है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक, सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है इसमें V क्या होता है, सबमर्ज्ड बॉडी का वॉल्यूम। जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन में इतना बॉडी जो है वो सबमर्ज है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ पर इस जगह पर हम लोग पुट करते हैं। BG क्या होता है, सेंटर ऑफ वायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो था एनालिटिकल मेथड। अब आप लोगों को सीखना है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये भी बताया गया है, GM इक्वल टू W1 इंटू X अपॉन कैपिटल W टैन थीटा। इसमें W1, X, कैपिटल W ये सब हैं क्या, ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें एक और डायग्राम देखना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है और ये वाटर सरफेस है। इसमें ये इसको नॉर्मल एक्सिस है, इसमें कोई छोटा सा वेट रखा हुआ है जिसका वेट जो है वो है स्मॉल W1, और इस बॉडी का वेट और इस ऑब्जेक्ट का वेट, दोनों का वेट अगर हम आपस में प्लस कर दें तो उस वेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W से। मतलब कैपिटल W में इस ऑब्जेक्ट का भी वेट होगा और ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है जो कि मूव कर सकता है, इसका भी ऑब्जेक्ट हो, इसका भी वेट हम लोग इसमें कैप्चर करेंगे कैपिटल W में। अब सपोज यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, किस तरह दिया गया, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने में भी हम लोग अलग से कुछ नहीं देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के जो छोटा सा ऑब्जेक्ट जहाँ पर सेंटर पे था, इसको कुछ डिस्टेंस पे
कुछ डिस्टेंस पे मूव कर दिया, जैसे कि इस जगह से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर मूव कर दिया। अब ये एक साइड मूव हुआ, इसकी वजह से एक टिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ जो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इस केस में जब चूंकि वेट भी अपनी जगह से हिला, तो जो 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 प्रीवियस जी था वो भी एक यहाँ पर सपोज प्रीवियस जी था तो एक नया जी वन पॉइंट पर आ जाएगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ वायंसी भी अपनी एक नई पोजीशन पे अचीव कर लेगी। तब प्रीवियस जो नॉर्मल एक्सिस थी और अभी का जो एक्सिस है जो कि जी वन और बी वन से होकर जाएगा, वो एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा जिसे हम लोग मेटा सेंटर बोलते हैं। और वो मेटा सेंटर ये होगा मेटा सेंटर। और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट हमारा मेटा सेंट्रिक हाइट होगा। इसके लिए डेरिवेशन पहले ही बताया जा चुका है। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे मेटासेंट्रिक हाइट के लिए वो ये होगा W1 इंटू एक्स अपॉन कैपिटल W टेन थीटा। तो देखिए इस फॉर्मूले में W1 क्या है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट जो आपने एक्स्ट्रा रखा, x क्या है, सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है, कैपिटल W क्या है, ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है और ये जो छोटा ऑब्जेक्ट मतलब शिप मॉडल और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रखा, इन दोनों का कंबाइंड वेट है। और थीटा क्या होता है, देखिए थीटा क्या होता है, सपोज़ ये हमारा पहले नॉर्मल एक्सिस था और अब नया जो नॉर्मल एक्सिस है वो ये हो गया, सपोज़ ये हो गया, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ टिल्ट यानी थीटा। तो इस ये जो हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया इसका, तो ये आपको पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 G मल्टीप्लाइड बाई X डिवाइड बाई कैपिटल W M इंटू G, मतलब वेट इक्वल टू मास इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यानी GM इक्वल टू M1 X अपॉन कैपिटल M टेन थीटा। यही फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी GM इक्वल टू M1 इंटू X अपॉन कैपिटल M टेन थीटा, ये फॉर्मूला अब फर्दर यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे, ये जितना मैंने आपको बताया है ये सब कुछ आप यहाँ पर थ्योरी पार्ट में लिखेंगे। तो देखिए अब आप लोग को इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने कुछ थ्योरी पार्ट आपको बताया जो इस ऑब्जेक्ट में यूज़ होना है टू डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ शिप मॉडल में। अब आप लोगों को शिप मॉडल क्या होता है ये बताते हैं और एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है ये जान लेना है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है शिप मॉडल, इसी का आपको मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको जान लेनी हैं, ये देखिए ये निडिल है, इस निडिल का यूज़ और ये लगा हुआ है, इसका यूज़ आप लोग करेंगे एंगल ऑफ टिल्ट एंगल निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ये देखिए इसे हम लोग बोलते हैं हैंगर, दो हैंगर लगे हुए हैं, एक ये हैंगर है और एक ये हैंगर है। इस हैंगर में हम लोग वेट जो है लगाते हैं, ये जो स्मॉल W1 की बात हो रही थी वो हम लोग लगाते हैं। ये देखिए वेट जो है वो ये है, ये स्पेसिफाइड वेट है, ऑलरेडी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है 50 ग्राम का वेट है, 50 ग्राम का ये वेट है। तो अगर आप इसके दो वेट यूज़ करते हैं तो मतलब 100 ग्राम का वेट होगा। ये जो वेट है ये सबसे लास्ट वेट है, इस वेट इसका ये निडिल लगाकर इसका वेट जो है वो 50 ग्राम होता है। तो अगर आपको टोटल वेट W1 कितना रखना है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको सपोज 100 ग्राम रखना है तो आप इसमें दो लगाकर ये अब ये 100 ग्राम हो गया। इसमें लगाने का तरीका देख लीजिए, ये देखिए वैसे तो ये पूरा राउंड है लेकिन एक जगह पर ये थोड़ा सा प्लेन है, ठीक है, और इसमें जो है इसमें कट होता है, तो जहाँ पर ये कट है वहीं से हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं और इसको ऐसे ऐसे लगाकर इसको ऐसे निकाला जा सकता है। सपोज़ आप लोग इसमें अब दो वेट लगाना चाहते हैं तो अब दो वेट लगाने के लिए हमने इसमें दो ये लगा दिया, यानी 50 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हम लोग लगाना चाहते हैं।
स्मॉल डब्ल्यू वन की वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कितना वेट लगाना है। अब देखिए ये एक्स की वैल्यू के लिए ये हैंगर यूज़ किए जाते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए सेंटर, ये इधर से देखिए, ये देखिए ये सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये आपके मार्क लगे हुए हैं। सपोज़ आपको x की वैल्यू चाहिए, 7 चाहिए, तो इसमें 7 मार्क गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस जगह पर आप इसको हैंगर को फिट करिए और x जो आपने x यूज़ किया जा रहा है W1 इंटू एक्स अपॉन कैपिटल W tan थीटा, इसमें जो x है वो W1 और x ये दोनों हम डिसाइड करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने फिक्स कर दी और इसमें हम लोग, इसमें देखिए इसमें छेद बना हुआ है और इस हैंगर में हम लोग इसको लगा देंगे, इस हैंगर में इसे हम लोग फिट करेंगे, ठीक। और इसको हम लोग 7 की डिस्टेंस पर हमने इसे रखा था, 7 की डिस्टेंस पर ये हुआ और हमने इसको हैंगर पे इसे सेट कर दिया, ठीक है। मतलब W1 की वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं, X की वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं और वेट कैसे लगाते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया है। और ये पूरा ये शिप मॉडल है, ठीक। तो अब आप लोगों को ये शिप मॉडल, इसका क्या यूज़ है, इस निडिल का क्या यूज़ है, देखिए जैसे आप लोड लगाएंगे जब ये वाटर के अंदर होगा तो ये थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा, जब टिल्ड हो जाएगा तो आप इसका एंगल जो है वो मेज़र कर सकते हैं, जो 90 डिग्री है इसको ज़ीरो मानते हुए कितना टिल्ड हुआ है ये आप लोग निकाल सकते हैं। इसका यूज़ ये है, किसी भी काम को करने शुरू करने से पहले आपको देखना होगा कि एक्चुअल में ये निडिल जो है वो 90 पर इंडिकेट कर रही है कि नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हमें सेट करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हिल जाता है अपने जगह से, तो इसको हमें इसको सेट करना होगा। अब ये शिप मॉडल है, ये वेट वगैरह हैं, हाइट वगैरह मेज़र करने के लिए, डायमेंशन मेज़र करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसका टैंक देख लेते हैं कि टैंक क्या है। ये देखिए ये मेटासेंट्रिक हाइट के डिटर्मिनेशन का एपरेटस है, ये एक टैंक है जिसका डायमेंशन आपको मेज़र करना है, ठीक है। तो डायमेंशंस हम लोग इंटरनल डायमेंशंस लेते हैं, इंटरनल डायमेंशंस ये एक्स डायमेंशन है और ये वाई डायमेंशन है, इसको हमें लेना है। इस ऑब्जेक्ट में मतलब इस टैंक में हमने ऑलरेडी देखिए वाटर जो है वो फिल कर रखा है अंदर। अभी देखिए ये यहाँ पर देखिए ये जो स्केल लगी हुई है, ये चूँकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इसमें अंदर जितना वाटर फिल है उसका ये इसका लेयर जो है वो शो कर रहा है। ये एक स्केल लगा हुआ है जो कि सेंटीमीटर में वैल्यूज़ हमें देगा। यहाँ से हम लोग इसके अंदर टैंक में कितना वाटर फिल है उसकी हाइट जो है वो मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एपरेटस हुआ। अभी आप लोग इसका प्रोसीजर जानेंगे कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये हाइट जो है ये सेंटीमीटर में यूज़ होगी, ये डायमेंशंस वगैरह भी आप सभी सेंटीमीटर में डायमेंशंस लेंगे। इस टैंक का जो लेंथ है वो 55 mm है, ठीक है, 55 mm है, ठीक, 55 सेंटीमीटर है इसका डायमेंशन, 55 सेंटीमीटर इधर। इसका यूज़ आप लोगों को करना पड़ेगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने में, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोसीजर जानते हैं कि हमें इसमें प्रोसीजर में करना क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपका मॉडल है, ये जो आपका टैंक है, इसमें जो वाटर फिल है उसका इनिशियल लेवल देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी जो इनिशियल लेवल आपको दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 16.4 दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए 16.4 जो है वो वैल्यू हमें 16.4 सेंटीमीटर वैल्यू हमें इनिशियल लेवल की दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल हाइट ऑफ वाटर देखते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं H1 से, स्मॉल H1 से इनिशियल हाइट ऑफ वाटर। कोई भी रीडिंग, वाटर से रिलेटेड कोई भी रीडिंग लेने के लिए हमें वाटर को स्टिल करना होता है। अगर वाटर में वेव्स बन रही हैं तो हम लोग उसकी रीडिंग को सही नहीं मानेंगे, हमें तब तक रुकना होगा रीडिंग लेने के लिए जब तक कि वाटर जो है वो पूरी तरह से स्टिल ना हो जाए। तो ये H1 की रीडिंग हमने ले ली। इसके बाद हम इस जो हमारा जो शिप मॉडल है इसको बहुत आराम से इसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है। देखिए बहुत आराम से डाला गया है, बिल्कुल अब हिल नहीं रहा है वाटर। तो अगर हिल रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये शिप मॉडल के डालने की वजह से जो वेव्स जनरेट हुई वो बिल्कुल स्टिल नहीं हो जाती तब तक,
ठीक। तो ये शिप मॉडल हमने डाल लिया, अब हम फिर से हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे मेज़र करेंगे, ठीक। तो हाइट ऑफ वाटर जो अब मेज़र होकर आएगी उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एच टू, ठीक। तो देखिए अभी जो हाइट ऑफ वाटर जो मेज़र हो रहा है वो हो रहा है 17.1, और ये जो हाइट होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एच टू, ठीक। तो आपने एच वन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और एच टू का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और एच वन माइनस एच टू करने पर आपको हाइट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई दी बॉडी ये पता चल जाएगा, जो फ्लोटिंग बॉडी की वजह से जो हाइट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। ये डायमेंशन टैंक का डायमेंशन आपने ले लिया है पहले ही, तो यानी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता चल गया, हाइट भी पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, मतलब कि इस बोट की वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जब आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी ये पता कर लिया तो क्या आप मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हमें मास पता करना है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मास डेंसिटी। अब वाटर का मास डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सीसी। हम यहाँ पर 1 ग्राम पर सीसी का यूनिट वाला वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज चल रही हैं वो सब कुछ सेंटीमीटर वगैरह में चल रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज मतलब एच वन माइनस एच टू मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब 1 ग्राम पर सीसी, इतना करके हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी पता कर लिया। अब यही मास जो आया, यही मास क्या होगा, इस शिप मॉडल का मास होगा, ठीक। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ मतलब ये जो मेटासेंट्रिक हाइट है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए होंगी। स्मॉल डब्ल्यू वन यानी एक्स्ट्रा वेट जो हम लोग लगाएंगे वो हम खुद डिसाइड करते हैं, एक्स सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर डब्ल्यू वन को लगाना है वो भी हम डिसाइड करते हैं, डिवाइड बाई कैपिटल एम यानी कैपिटल एम जो होगा वो आपका ये जो बोट है इसका मास प्लस जो एक्स्ट्रा मास हम लोग लगाएंगे उसका, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमने अभी अभी बोट का मास कैलकुलेट किया है, और टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग एंगल ऑफ टिल्ट यहाँ से मेज़र किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करते हैं कुछ डिस्टेंस पर, जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से हम 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने हैंगर लगाया हुआ, अब इस हैंगर पे हम लोग 200 ग्राम का वेट जो है वो ऐड करेंगे। अब फिर देखेंगे कि जैसे हम लोग वेट ऐड करेंगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये टिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये अभी एकदम स्टिल है और प्लेन है, जैसे ही हम लोग ये वेट इस पे लगाएंगे ये तुरंत ही टिल्ड हो जाएगा। और 7 की डिस्टेंस पर होगा, इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए, 7 की डिस्टेंस पर हम लोगों ने रखा है, ठीक है, 7 की डिस्टेंस पर रखा। और अब देखिए ये जो बोट है ये टिल्ड हो गई है, ये देखिए अब ये बोट जो है वो टिल्ड हो गई है, ठीक है। और देखिए जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तब ये निडिल जो है वो यहाँ पर 90 पे थी, मतलब अभी के हिसाब से एंगल जो है वो ज़ीरो था, लेकिन अब देखिए ये एंगल ऑफ टिल्ड भी शो कर रहा है, तो अभी हमारा जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, नियर अबाउट जो है ये 15 डिग्री का इसने एंगल शो किया, ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि अभी ये स्टिल होगा जब वाटर, तब हम लोग इसका सभी वैल्यूज़ ले लेंगे। देखिए W1 का वैल्यू मतलब M1 का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए हमने 4 लगाए हुए हैं, मतलब 200 हो गया, 200 ग्राम, और 7 की डिस्टेंस पर लगाया हुआ है मतलब X की वैल्यू हो गई 7। तो जो पहले हमने मास कैलकुलेट किया था उसमें हम 200 और ऐड कर देंगे तो हमें कैपिटल एम का वैल्यू मिल जाएगा, और थीटा का वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है वो नियर अबाउट 14 डिग्री दिख रहा है, तो टैन 14 डिग्री इसका यूज़ करके आप मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो था प्रोसीजर, फिर से सुन लीजिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम लोग हाइट ऑफ वाटर
लेते हैं बिना इसको कुछ लगाए हुए, वो H1 है। फिर सिर्फ शिप को रखते हैं, फिर हाइट ऑफ वाटर निकालते हैं, वो H2 हुआ। H1 माइनस H2 करते हैं तो हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज कैलकुलेट हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम मिल जाता है। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल जाएगा। अब इस मास में ये स्मॉल m1 जो एक्स्ट्रा हमने लगाया है मास, उसको प्लस कर देंगे तो हमें कैपिटल M का वैल्यू पता चल जाएगा। और एक्स्ट्रा m1 जो हम लोग लगा रहे हैं वो m1 कितनी डिस्टेंस पर लगा रहे हैं वो x, और कितना ये एंगल ऑफ टिल्ट शो हो रहा है वो थीटा, इतनी वैल्यूज़ हमें मेज़र करनी होती हैं। ये काम हमें 3 बार करना होगा सेम वैल्यूज़ के साथ। जब आप ये तीन बार ये काम करेंगे तो फिर आपको एवरेज निकालना होगा। तो आप एवरेज निकाल लेंगे, आपको मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए अब वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं, अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल देखनी है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले है इनिशियल लेवल ऑफ वाटर यानी H1 जो कि होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी। सेकेंड वैल्यू फाइनल लेवल ऑफ वाटर जो कि है H2, जो कि शिप मॉडल को रखने के बाद जो H2 आया था वो, दोनों का डिफरेंस यानी H1 माइनस H2, मास ऑफ शिप मॉडल, ये जो H हमने कैलकुलेट किया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 55 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc, मास ऑफ वेट प्लेस्ड जो हम एक्स्ट्रा वेट प्लेस करेंगे वो कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे वो हो जाएगा x। अब ये m1 और ये मास दोनों को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल मास की वैल्यू मिलेगी और एंगल ऑफ टिल्ट इसमें देखकर, ठीक है। ये सभी वैल्यूज़ हमें जब मिल जाएंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में, m1 इंटू x डिवाइड बाई कैपिटल M tan थीटा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी मेटासेंट्रिक हाइट की वो सेंटीमीटर में मिलेगी। लास्ट में आपको प्रिकॉशंस लिखने होते हैं। देखिए जो आपको शेड्यूल दिख रहा है उसी तरह से लिखा जाता है, रिदम आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं टू डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ शिप मॉडल, इसके बाद थ्योरी जो मैंने आपको बताया थ्योरी वो लिखेंगे, फिर सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में उसे हम लोग पुट करेंगे, देन इसके बाद कैलकुलेशन में आपको GM के वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और फिर लास्ट में प्रिकॉशंस में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं वो तब हम मतलब जो रीडिंग हम लोग लेते हैं वो रीडिंग हमें तभी लेना है जब वाटर जो है वो पूरा स्टिल हो जाएगा, तब हमें कोई भी रीडिंग लेनी है। अगर वेव्स जनरेटेड हैं तो हमें रीडिंग लेने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीडिंग फिर गलत आ जाएंगी। सभी वैल्यूज़ को हमें सेंटीमीटर में रखना है। जो वाटर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, वो डस्ट नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि अगर डस्ट होगा तो उसका डेंसिटी जो है वो अलग हो जाता है उस वाटर का। क्लीन वाटर यूज़ किया जाता है। जो हम लोग जो एंगल मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही कैलिब्रेटेड होना चाहिए। शुरुआत में ही उसको चेक कर लीजिए कि वो 0 डिग्री की ओर इंडिकेट कर रहा होना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग वेट यूज़ कर रहे हैं उनका वेट देख कर रखना है कि सभी 50 ग्राम के ही हैं कि नहीं हैं, और एक्स डिस्टेंस भी है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं लेनी चाहिए। 5, 6, 7, 8 इतना सेंटीमीटर तक सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा होने पर वो क्या होने लगता है कि टिल्डिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाता, क्योंकि वेट जो है वो शिप की बॉडी से टकराने लगता है, इसलिए वो सही वैल्यू जो है वो नहीं देता है। अब हम लोग कुछ वैल्यूज़ जो हम लोग मेज़र कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट करके एक वैल्यू GM का वैल्यू हम आपको बता देते हैं। देखिए जो रीडिंग्स आपको अभी जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो रीडिंग्स हमें मिली वो हमने आपके सामने लिखी। जैसे देखिए इनिशियल लेवल ऑफ वाटर जो है वो आया 16.4 सेंटीमीटर। फाइनल लेवल ऑफ वाटर मतलब हमने जो हमारा शिप मॉडल था उसको जब रखा तो उसके बाद जो रीडिंग आई वो आई 17.2। अब जो दोनों का डिफरेंस आया 17.2 माइनस 16.4 इक्वल टू आया 0.8। ये जो हाइट ऑफ वाटर इंक्रीज है इसका यूज़ हम लोग करेंगे मास ऑफ शिप मॉडल कैलकुलेट करने में। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक जो है 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 65 सेंटीमीटर आया। डेंसिटी ऑफ वाटर हमने रखा 1 ग्राम पर cc और एच का वैल्यू दोनों का डिफरेंस 0.8। इससे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई द बॉडी यानी मास ऑफ शिप मॉडल
ठीक। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कि हमने कितना एक्स्ट्रा वेट जो है वो रखा, तो हमने 200 ग्राम का वेट रखा। कितनी डिस्टेंस पर रखा? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। ये रखने पर जो हमारा जो एंगल हमें मिला वो 14 डिग्री एंगल जो है वो क्रिएट हुआ, यानी एंगल ऑफ टिल्ट जो है वो 14 डिग्री आया। अब देखिए हमें कैपिटल M कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है M1 तो पता चल गया, X भी पता चल गया, डिवाइड बाई कैपिटल W। तो कैपिटल W इक्वल टू क्या होता है? शिप मॉडल का मास प्लस जो एक्स्ट्रा मास हमने ऐड किया है, उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 2420 प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा 2620, जो कि यहाँ पर देखिए किया गया है। तो टोटल जो हमें पूरी टेबल मिली हमें वो कुछ ऐसी मिली, सभी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब हमें इस फॉर्मूले में रख GM इक्वल टू M1 इंटू X डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू टेन थीटा। देखिए M1 की वैल्यू है 200 रख दी, X की वैल्यू है 5 रख दिया, कैपिटल M की वैल्यू है 2620 वो भी रख दिया, थीटा जो आया था 14 डिग्री वो भी वैल्यू रख दिया। कैलकुलेट करने पर हमें जो वैल्यू मिली वो 1.532 सेंटीमीटर हमें वैल्यू मिली। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, वो क्या हैं कि देखिए GM का वैल्यू जो है वो M1 पे डिपेंड कर रहा है और X पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर हमने ये जो वेट हम अपनी ओर से मान रहे हैं वो वैल्यू हमने चेंज की, अभी जैसे हमने उसे 200 लिया हुआ है, सपोज़ कोई बच्चा अगर 100 ग्राम लेकर करता है तो उसमें GM का वैल्यू जो है वो अलग आएगा। मतलब GM का वैल्यू जो वेट रखा जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पर रखा जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप ये वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो आपको GM की वैल्यूज़ दूसरी वैल्यूज़ मिलेंगी। ये तो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वैल्यूज़ हम लेते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हैं, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो गड़बड़ी दे सकती हैं। हो सकता है कि 16.3 सेंटीमीटर हो इनिशियल लेवल और हमने उसको काउंट करने में 16.4 लिख दिया हो, ठीक है। तो ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, इसलिए हम लोग सेम काम को सेम लोडिंग के साथ 3 बार करते हैं और फिर उन तीनों का एवरेज जो आएगा उसको हम लोग GM मानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा हो चुका है। अब यही काम आपको अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिखना है, और जो लिखने का तरीका होगा वो यही है, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा। थ्योरी में आपको लिखना है GM क्या होता है, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है। इसके अलावा GM का फॉर्मूला एक्चुअल में, मतलब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है W1 इंटू X अपॉन कैपिटल W टेन थीटा, इसमें G और G कट जाएगा, यानी M1 इंटू X अपॉन कैपिटल M टेन थीटा, ये थ्योरी में बच जाएगा। देन इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल जाएगी और फिर कैलकुलेशंस होंगी। इसमें हम लोग, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर आपको दिखाई है, आपको टोटल तीन बार सेम काम को करना है और फिर उसका एवरेज लेना है। तो कैलकुलेशंस में GM1, GM2, GM3, फिर GM इक्वल टू GM1 प्लस GM2 प्लस GM3 डिवाइड बाई 3 होगा। प्रिकॉशंस मैंने आपको जो बताई थी इनिशियल, वो सारी प्रिकॉशंस आपको लिख देनी है एक बार में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ठीक है, थैंक यू क्लास।